नमस्कार दोस्तों, मैं लखपाल जी, मेरे यूट्यूब चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, फिर वह विद्यार्थी ने एक और सवाल दिया है। पहला सवाल तो उसका हल हो गया, दूसरा क्या कह रहा है कि कृष्णा ने 5 क्विंटल अनाज 10,500 में खरीदा तथा 22 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से अनाज को बेच दिया। कह रहा है कि बताइए उनके बिजनेस में लाभ हुआ कि हानि हुआ, यानी लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत लाभ हुआ अथवा हानि हुआ तो कितना प्रतिशत हानि हुआ। दोस्तों देखिए, इस बिजनेस में दोनों नहीं हुआ होगा, लाभ और हानि दोनों नहीं हुआ होगा, या तो हानि हुआ होगा और नहीं तो लाभ हुआ होगा, दोनों में से कोई एक ही रीजन आएगा। अब देखिए, तो ये सवाल में देखेंगे दोस्त कि कृष्णा ने 5 क्विंटल अनाज 10,500 में, तो लिखेंगे 5 क्विंटल, 5 क्विंटल अनाज अनाज का खरीदा गया ना क्रय मूल्य, क्रय क्रय मूल्य, तो 5 क्विंटल अनाज का क्रय मूल्य हो रहा है आपका 10,500, यानी 10,500 हो रहा है रुपया, इतना रुपया में अनाज खरीदा। अब देखिए, लाया तो मार्केट में बेच दिया, तो यहां बेचा 1 किलो, यानी 1 किलो किलोग्राम अनाज 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 मतलब बेचा ना, तो अनाज का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो 1 किलोग्राम अनाज का विक्रय मूल्य मतलब 22 रुपया में बेचा। ठीक, तो अब क्या करेंगे इसको, अब 5 क्विंटल अनाज का दाम हम निकालेंगे, तो यहां निकालेंगे दोस्त, यानी 5 क्विंटल, अब यहां लिखेंगे इसलिए, यहां लिखेंगे चूंकि, पहले लिखेंगे चूंकि, चूंकि 1 किलोग्राम अनाज का विक्रय मूल्य 22 रुपया है, तो इसलिए 5 क्विंटल क्विंटल अनाज अनाज का विक्रय मूल्य, तो मतलब 22 गुणे 1 क्विंटल बराबर 100 किलो, तो 5 क्विंटल मतलब 500, यानी 500 किलोग्राम मतलब 5 क्विंटल। अब इसमें गुणा कर दीजिए, आपका विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो 00 बैठा दीजिए और 5 × 2 = 10 के 0 हासिल 1 और 5 × 2 = 11, यानी 11,000 में बेच दिया, 11,000 में बेचा। अब देखिए, इसमें देखेंगे कि लाभ हुआ कि हानि हुआ दोस्त, अब मिलाएंगे कि खरीदा है 1,250 में, 10,500 में खरीदा है, 10,500 में और बेचा है 11,000 में, तो मतलब यहां मिलाएंगे, मिलान करेंगे तो विक्रय मूल मतलब ज्यादा हो रहा है, विक्रय मूल ज्यादा हो रहा है किससे, क्रय मूल से, क्रय मूल्य से, यानी ज्यादा हो रहा है, तो जब विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, अब थोड़ा क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हानि होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हानि होगा, और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तो आपका लाभ होगा। तो यहां देखिए दोस्त, विक्रय मूल्य ही बड़ा है, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तो यहां होगा लाभ, उसको मिला है लाभ, तो लाभ बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य,
क्रय मूल्य, यही फार्मूला होता है। अब देखिए विक्रय मूल्य मतलब 11,000 माइनस क्रय मूल्य 10,500। अब घटाइए ना, आपका लाभ निकल गया तो कितना निकला, 11,000 में से 10,500 घटाइए ना तो आपका आएगा कितना, 500 रुपया आएगा लाभ। अब लाभ का फॉर्मूला लगाइए, सीधे सीधे लगाइए, लाभ प्रतिशत, प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, देखिए लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अगर दोस्त यहां हानि हुआ होता ना तो हम लिखते हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, यही सूत्र होता है हानि के लिए, और लाभ के लिए यही होता है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए यहां देखिए लाभ, लाभ तो हुआ है 500 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, कितना में खरीदा तो खरीदा है 10,500 में। अब देखिए यहां 00 से 00 खत्म हुआ, यहां बच गया 105, यहां 500 बच गया। अब काटिए 5 से तो 5 दुनी 10 आ एक यहां बचा तो 5 एकम 5 यानी 21 बचे 105 होता ही है। अब यहां 5 से काटिए तो 5 एकम 5 और 00 यहां जाएगा तो 100 बार में कट गया। अब यहां आ गया आपका 100 बटा 21। अब 100 में 21 हम क्या करेंगे, भागा कर देंगे, यहां आएगा 100 में 21 से भागा तो कितना बार में जाएगा, 21 पचे 105 21 पचे 105 यानी 100 है तो आपका जाएगा 21 चौको तो 4 एकम 4 और 4 दुनिया 8 21 चौको 84। अब घटाइए 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 8 जाएगा 1, आपका आ गया आंसर, लाभ आपका आ गया कितना कट पीट करके 4 सही 16 बटा 21 प्रतिशत, ये हमारा हुआ आंसर। कितना आंसर हुआ दोस्त, यानी 4 सही 16 बटा 21 मतलब इतना रुपया की दर से इन्होंने इतना परसेंट मतलब कमाया है, ये आपका आंसर हुआ। अथवा एक आंसर और हो सकता है, एक आंसर और चाहो तो सकता है, यहां कर देंगे 0.5 यहां कर देंगे 0। अब करेंगे 160 कितने बार में जाएगा तो 6 एकम 6 और 6 दुनी 12 126 और ज्यादा 9 एकम 9 और 9 दुनी 18 189। अब आइए 8 से 8 एकम 8 8 दुनी 16 168 ज्यादा हो रहा है तो 7 बार में जाएगा यहां तो 7 एकम 7 7 दुनी 14 167 में से 7 जाएगा आपके बचेगा 3 और 5 में 4 जाएगा 1 0.5 हो जाएगा और फिर 21 अब कितने बार में जाएगा तो 130 तो 7 बार में देखा जाए तो 147 आ रहा है तो 6 बार में जाएगा तो 6 एकम 6 6 दुनी 12 देखिए तो 10 में से 6 जाएगा 4 और 2 2 गायब एक एक कैंसिल आउट, ये भी एक एक कैंसिल आउट हुआ। अब यहां देखिए 0 21 2 42 मतलब कितना बार में जाएगा 21 2 42 दो बार तो ज्यादा हो रहा है तो एक ही बार में जाएगा तो यहां हो जाएगा आपका 21 एकम 21 10 में से जाएगा 9 और 3 में से 2 जाएगा 1 19 यानी आ गया आपका कट पीट करके आंसर आपका, इसका तो इतना भी हो सकता है देखिए 4.76 और 0.76 के तीसरे स्थान पे 1 है तो 1 हटेगा तो 6 के पास नहीं बढ़ेगा, यानी 0.76 के दूसरे स्थान पर नहीं बढ़ेगा, लगभग इतना परसेंट आंसर आपका आ जाएगा। तो या तो इसको लिखिए और नहीं तो इसको लिखिए, बात एक ही है।